चलो रे भैया, चलो ये एक क्वेश्चन देखो, एक अच्छा सा क्वेश्चन इसको करते हैं। एक ब्लॉक है 10 kg का, मूविंग एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट स्पीड। अगर ब्लॉक है उसकी स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, सब्जेक्टेड टू ए रिटार्डिंग फोर्स 0.1 0.1। रिटार्डिंग और वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल पोजिशन डिपेंडेंट फोर्स है। तो एक्स इज इक्वल टू 0 to 20 meter तक मूव करने में फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, समझना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल जब एक ब्लॉक है, यहाँ पे समझना, एक ब्लॉक है, यहाँ से था क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स इज इक्वल टू यहाँ 20 meter है और स्पीड इसकी कॉन्स्टेंट है 20, एक मिनट यार, 20 इसकी स्पीड, यहाँ पे स्पीड 10 meter per second है, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 20 meter है, तो 20 से आगे गया 30 हो गया, ठीक है, ये 30 meter हो गया। इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट 10 meter हो गया, ठीक है, समझना। तो यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड 10 meter per second है, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो हमें नहीं पता है और हमें उसी को कैलकुलेट करना भाई। चलो तो कैसे कैलकुलेट किया जाए, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया जाए। इनिशियल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय द रिटार्डिंग फोर्स। तो अगर मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ, चलो तो वर्क एनर्जी का थ्योरम लगाता हूँ, तो वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक ही रिटार्डिंग फोर्स है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल और माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। हम लोग को क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल चाहिए। इसका मतलब हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ से पता चल जाएगा। तो वर्क डन निकालते हैं सबसे पहले। ये जो रिटार्डिंग फोर्स लगा वो कितना वर्क किया उसको हमें कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो ये जो रिटार्डिंग फोर्स है, वर्क डन क्या होता है वेरिएबल फोर्स का, एफ डॉट डी एक्स, और रिटार्डिंग फोर्स है भाई तो डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा होगा, फोर्स इधर लग रहा होगा, तो माइनस एफ डी एक्स और इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल टू 20 to 30 लिमिट आ जाएगा। फोर्स की वैल्यू रख दो माइनस, फोर्स की वैल्यू 0.1 एक्स डी एक्स, और एक्स इज इक्वल टू 20 से एक्स इज इक्वल टू 30 में कितना वर्क डन हुआ। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो कितना आएगा, देखो कैलकुलेट करो, तो ये माइनस 0.1 और ये माइनस 0.1 और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, एक स्टेप और कर दूँ, 30 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली जो मुझे मिला वो 0.1 divided by 2, और 900 और 400 500, ठीक है, तो 900 400 500 पॉइंट ने पॉइंट को, ये पॉइंट ख़त्म कर दिया, और 900 500 हाँ 2x² तो ये आ जाएगा 25 joule, ठीक है। दिस इज द नेगेटिव वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स, जो अपोजिशन फोर्स है वो माइनस 25 जूल वर्क किया, तो ये आ जाएगा। अब हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख दो इसका, तो कितना आएगा भैया इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी आ जाएगी बोलो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। मास की वैल्यू कितनी है बोलो, तो मास कितना है, मास कितना भैया 10 kg है, वेलोसिटी भी 10 ही है, ठीक है, तो ये 10 और वेलोसिटी 10 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 50, मतलब 500 joule, दैट इज ए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब सिंपल सी बात है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 500 जूल है और रिटार्डिंग फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इसको डिक्रीज हुई होगी, मतलब 500 से कम ही सोल्यूशन होगा, सारे 500 से कम है, तो इसको यहाँ पर रख दो, तो माइनस 25 जूल वर्क डन, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो हमें चाहिए, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस 500 आया, ठीक है, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल दैट इज प्लस 475 joule, वैसे भी निगेटिव होगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव होगी नहीं, प्लस 475 joule, 475 joule, दैट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये वाली चीज़, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दूसरे सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं। आप देखो कि मैं क्वेश्चन कर कैसे रहा हूँ, और उस वीडियो पॉज करो और खुद
प्रैक्टिस करो, नहीं होता है तो वीडियो स्क्रीन पॉज करके फिर सोल्यूशन देखो, और अगर ये पूरा प्रैक्टिस कर लेते हो 31 ईयर तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, एक एक्सपोजर मिल जाएगा कि क्वेश्चन करते कैसे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।